जी थोड़ा सा बताएं, आप ईडी की जो कार्रवाई हुई है, आपको नहीं लगता कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था? उससे पहले ज़्यादा ट्रायल तो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था, जो आप लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है ना, तो कांग्रेस वाले भी आरोप लगाते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो सबसे पहले होना चाहिए था, तब इस पर हम लोगों को सवाल पूछे जाने की ज़रूरत थी। देखिए निश्चित तौर पर शंकर जी आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, लेकिन शंकर जी हम विगत सवा दो वर्ष ढाई वर्ष पहले ही जाते, जब ये वर्तमान हेमंत जी की सरकार जब राज्य में आई 2019 के दिसंबर में, तो राज्य बनने के बाद प्रारंभिक स्टेज में 3 महीने में पूरी जनता को एक मैसेज देने का काम इस सरकार ने किया। हम उसकी सराहना भी करते रहे कि इन्होंने कुछ अच्छे अफसरों की नियुक्ति की और एक समाज में मैसेज देने का प्रदेश में काम किया। जैसे सुखदेव सिंह जैसे अधिकारी को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया, और यही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और पूजा सिंघल के अस्पताल पल्स अस्पताल को लेकर सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं और उसकी जांच की बात करते हैं वहां के डीसी को। ये शंकर जी ये सरकार की चाल थी, ये वर्तमान मुखिया की चाल थी, और इन्होंने एक मैसेज देकर उसके बाद पूजा को दबाव में लेने के बाद उस पूजा के प्रसाद का 2.25 वर्षों तक इस तरह से वितरण करते रहे और तमाम अधिकारियों में एक मैसेज देते रहे, दबाव का मैसेज कि हम आपको सेफ करेंगे। देखिए शंकर जी, देश में यह पहली ऐसी घटना होगी जब झारखंड में किसी एक अधिकारी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाता है, ईडी उनके यहाँ छापामारी करती है, ईडी कार्रवाई करती है, और वर्तमान सरकार और उसकी पार्टी और इस सरकार के साथ में जो करप्शन की जननी रही है, जो भ्रष्टाचार की जननी रही है, कांग्रेस जैसी पार्टी भी उसके सहयोग से जो सरकार चला रही है, पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करती है, पूरे प्रदेश में आंदोलन करती है, ये कैसी सरकार है कि अगर किसी अधिकारी पे कार्रवाई हो रहा है और आप एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे शंकर जी, बाकी के भी पूजा जैसे और भी कई कुमार अधिकारी हैं जिनको ये मैसेज देना चाहते थे, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, सरकार आपके साथ है, गठबंधन की सरकार है, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, ये एक मैसेज देना चाहते थे कि बाकी अधिकारियों में ऐसा नहीं हो। देखिए पिछले 6 दिन से ये ईडी बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, कार्रवाई चल रही थी, सरकार ने क्या पूजा सिंघल को सस्पेंड करने का कोई काम किया? सरकार ये चाहती भी नहीं थी। आज तो पूजा सिंघल जी की गिरफ्तारी हो गई है, उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई, अब देखिए सरकार उनको सस्पेंड भी करती है कि नहीं करती है, यह भी बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद।